जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस सीसा मऊ की ऐतिहासिक धरती पर इस चुनावी सभा में इस कार्यक्रम के आयोजक इस वार्ड के सम्मानित पार्षद दुर्गेश यादव जी इस सभा में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री परम आदरणीय परम सम्मानित आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी इस कार्यक्रम में जिनके सहयोग में जिनके समर्थन में आज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और न्याय की आशा में आपके सामने आई आदरणीय बहन नसीम सोलंकी जी आदरणीय विधायक अमिताभ वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सभी नेतागण मैं सबसे पहले इस कानपुर की धरती में राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह जी का इस जनता की ओर से जो आपने दो दो बार टाइम दे करके समाजवादी पार्टी को उत्साह बढ़ाने का काम किया है उसके लिए मैं आपका मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं वंदन करता हूं अभिनंदन करता हूं। और आज कोई लंबी चौड़ी बात करने का वक्त नहीं है, लंबी चौड़ी बात तो चाचा करेंगे हमारे राष्ट्रीय महासचिव करेंगे। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कानपुर की गंगा यमुनी तहजीब को समाप्त करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी कानपुर से जड़ें उखड़ रही है, अरे ये विधानसभा है जिसमें पांच पांच बार भारतीय जनता ने शिकस्त नहीं खाई, मुंह भर के बल गिराने का काम किया है। अब उस पार्टी को लग रहा है कि अभी तो एक सीट थी और पिछले दो चुनाव से तीन तीन सीटें समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया है, इसलिए उन्होंने संविधान को ताक में रख करके इरफान सोलंकी को झूठे मुकदमे में फंसा करके और जल्दी ट्रायल करा करके और सत्ता के बल पर इस सीट को अपने कब्जे में लेना चाहते। इसको कानपुर की जनता और सीसामऊ की जनता कभी मजाक करने का काम नहीं करेगी। हम आपसे अपील करने आए हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नेताओं को किसी की ताकत समझ में आती है, किसी से खतरा नजर आता है, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लाल टोपी से खतरा नजर आता है। अगर इन्होंने गुंडागर्दी के बल पर यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की, लोगों के वोट डालने से रोकने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। एक एक कार्यकर्ता अपने को आहुति दे करके इरफान सोलंकी को न्याय दिलाने के लिए नसीम सोलंकी के चुनाव चिन्ह साइकिल वाली बटन दबाकर सीसामऊ का इतिहास बदलने का काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सम। इसी कड़ी में